चिट्ठी दी पढ़ के नहीं मान जो बोल रहे हो मुंह से शब्द बराबर निकल चिट्ठी दी पढ़ने को कि ये बताओ मैंने अपना मुंह उल्टा किया मैं क्यों पढ़ू अपना लोग को लेने गई थी ना सिग्नल को सिग्नल आज वो बराबर आज किस्मत नहीं है 7920 पॉप्स ये तो बहुत बड़ा जंप है अपन ने कल क्या देखा था 76 78 में अपन ने भरा माय गॉड बहुत ही जबरदस्त गडकरी तो कुछ और बोल रहे था क्या चलो टर्न बजा रही है ये तो ऐसे टर्न मारने को देख रहे हैं जैसे भाई बहुत बड़ा गाड़ी है गंदा तो गड्ढा था कचरे गड्ढे में 6-7 गाय बैठी है सब्जी वाला तुम्हारा इधर ही था हाँ वो शाम को आता है वो ऑटो वाले आते हैं यहाँ से पॉश लोग आते हैं सब छावनी ये मसन क्लिनिक है ना यहाँ पे सिंधु मैडम आती है सस्ता है पर बहुत भीड़ है फिर अपने को मशीन मिलती है बड़ा सा गड्ढा हाँ तो क्या बोले ऑटो ओनली फॉर सेंटर सेंटर ऑटो खाते खाते बात करते तो वैसे ही सुनाई देता और वैसे भी क्या है वो टर्निंग है ना मेजर हाँ चक्के लग गए चलो लेफ्ट का लेन मत लो अपन लेन भी खराब है और गाड़ियाँ सब रुक गई कई बार वो ट्रेन में वहाँ ब्लॉक एक डेढ़ महीने तक चौक पे बंद था उसको सपोर्ट करने वाले जो थे ना आयरन वाले एक डेढ़ महीने तक लगा रखे थे कंक्रीट पे नहीं तो इतना क्यों ही है करना उसको कितना हिल रहा हूँ ये बेबी हिल रही है मम्मा ये क्या है दामिनी जान के नहीं बोला मैं बोला पूरा घर आ रहा है कुत्ते बिल्ली भी आ रहे समोसे का खुशबू आ रहा मेरे को जिसको चाहिए ऑर्डर दे दो मेरे को दे दो टाइम है सुबह जितना जल्दी खा लो उतना अच्छा गोदी में रख रखी
अभी तो फोन आ गया तड़ी पे ताकि वो इसको प्रेस करना इजी हो जाए करंटली यू हैव टू टेक योर हैंड ऑफ द स्क्रीन दिस विल ओपन अप लाइक दिस एंड द बैग विल कम आउट आप कुछ लगाओगे तो दैट विल फ्लाई आउट शेट वो तो गड़बड़ है वाइट है मैं बाद में देखती हूं ये एक तरफ घूमेगा चटनी है ये चटनी नहीं केचप है चटनी लिए छिनी क्या वो नहीं वो क्या है वो पैकेट में नहीं थी वो ऐसे दे रहा था डब्बे में तो गिरेगा ही ना मैं ब्राउन की भी बात कर रही हूं हरी ब्राउन दोनों ये केचप कैसे खोलेगा देखिए ओके वहां इतना ट्रैफिक है यहाँ लेफ्ट का ये बंद करके रखा है बेवकूफ है जैसे सामान रखा हुआ है सामान रखा है हम लोग तो चले जाते थे तो वो सीमेंट की कदम होती है ओ देखना है एक पीस किया है इन्होंने आपके गीला गीला दिख रहा है कल परसों में चुहा लग रहा है इसका लैंडिंग भी फिल हो गया वो वाटर से कंप्रेस हो जाएगा अभी नहीं ले सकता अभी भूल जाओ सामने सतीश सामने
हाँ फोकस फोकस अपने को भोपाल जाने का बस बताओ गाड़ी पे कोयले वाली जो लाइन है ये वो है प्लेट कार अब किनले पीने का पानी है कि गाड़ी का है पीने के का ये मैंने रखा है ओके ये शो आपको बोला था ना हां मैं चेक कर लेंगे अपन मिलेंगे ठीक है
इसको वोट दे और किसको नकली चीज दे दो मानसून में जंगल बन जाते हो तो आप टेंशन मत लो, जंगल मतलब बहुत ठंडा वाला नहीं, वो तुम लोग में से कोई एक खा लो, मैंने डेढ़ मिठाई खा ली थी उसे, डेढ़ शाना है, तुम डेढ़ मिठाई खाते हो, अपन ओवरटेक लेने का सोचे और ये गाड़ी ने स्पीड बढ़ा दी, सामने वो टुक 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 करते हुए जा रहा है आता ही है ना, वो लोग परवाह ही नहीं ना, गाड़ी कितने की 1.5 लाख की गाड़ी है, खराब हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है। सुनो क्या स्टीम निकल रही है इसका, और निकलते से ही फटेक से कन्वर्ट हो जाता है कि ऊपर ठंडा है एटमॉस्फेयर, वहीं के में वो कंडेंसेशन शुरू हो गया, पानी डब डब हो जाता होगा ना, होता होगा क्या पता, वो स्टडी करना चाहिए। फोन पे बात कर रहे हैं, तुमको टिश्यू पेपर दिया क्या लड़के ने? टिश्यू पेपर नहीं दिया, वो मैं मना कर दिया था, हमको वहां रख लो आगे, टेबल में रखो या हैंडी रखो, हैंडी रख दिया, ओके बाय। इधर भी सोनू गली में से निकलने वाले ट्रैफिक के लिए उन्होंने सीसीटीवी रखा था वहाँ, लफड़ा यह है कि यह सीसीटीवी इतना रख दिया, इतना डेटा आ रहा है, कुछ डेटे का करिच नहीं पा रहे वो लोग, दे डोंट हैव द टेक्नोलॉजी, दे डोंट हैव द आईज, क्या कहे, बिना हेलमेट के बिना जान के परवाह किए। सुनो इसका कनाल में तो काम चल रहे हैं उधर, एक और कनाल था, के वो कुछ जाने का रास्ता बना रहे पानी के लिए इधर, और पावर प्लांट का पानी का रास्ता ब्रिज का नीचे कोई गांव होगा ना जिसके लिए होगा, कुछ तो फंडा रहेगा, होटल है, होटल शादी के हिसाब से टूरिस्ट बस आया पलाश। ये रास्ते का हालत क्या हुआ है, जेसीबी ने पहले अपन का मुलताई कौन सी जगह से सूखी जाती थी, तालाब रहता था उसको जाता है, मुलताई में अभी भी तालाब है, अपन एक दिन डाइवर्जन लिए थे हाईवे बनता था, हाईवे पे आते ही बनता था, हाँ करेक्ट करेक्ट, वो वाले ट्रिप पे पंक्चर हुआ था
तो अच्छा है, मैंने वो बैतूल में जहाँ जोड़ कर टट्टी करनी थी कर ली, तो मैं वो हाथ बटा पाया। तो उसमें स्लो डाउन बैरिकेड है और कुछ बैरिकेड के कारण कुछ बढ़ गया क्या? अच्छा चेकिंग चल रहा है, कुछ नहीं बुलेट था मेरा, ये हो गया। बचाने के चक्कर में फटाफट पैसेंजर लोड करते हैं और फिर फटाफट वो भागने को देखते हैं, तो वो जितना फ्यूल भरा है 70% कैपेसिटी है उतना भर लिया निकल गए। नहीं, और उनका ऐसा भी है ज्यादा भरेंगे तो ज्यादा हैवी हो जाएगा। उतना 78-69 कम शहर के बाहर है तो लगता है कुछ आएगा, लगता है भारी भारी और इसको ऐसा कवर करके क्या फर्क क्या पड़ रहा है? गियर को कवर करके करना है प्लास्टिक से वो अभी तक निकाला नहीं, नहीं मतलब ही नहीं रहता। नहीं, ये ढीला हो जाता ना बारिश में, उसके बाद निकाले। ये इधर भी टेप है वो भी निकाला नहीं। हाँ वो फर्क नहीं पड़ता, पर ये गियर पे हाथ स्लिप हो गया, कुछ हो गया, खापर खेरा। कौन को इतना दूर रखा है पहुंचे, वो दैट इज नॉट सॉल्विंग द पर्पस। थोड़ा सा उधर रखते हैं 1 फीट और वो साइड, क्योंकि क्या अभी इस पॉइंट पे कौन को कोई गाड़ी हिट करेगी तो वो एज अ प्रोजेक्टाइल उड़ के उनको ही ये करेगा, उनको लगेगा। या एक काम करते हैं, मैं उधर बैठ के मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं जोक मारता हूँ और तुम बाजू में बैठ के जोक पे हंसो, सिली जोक से या जो भी है। सोनल ये वाले इस पे वो दिखता है क्या, वो वाली माइंस, वो कनान के तरफ वाली माइंस का वो उठा हुआ रहता ना पहाड़ी, वो डंप करते करते है। कभी तूने देखा नहीं क्या ये तरह से? देखा, पर यहाँ नहीं देखा। एक बार तू ले गया था कार्ट्री, नहीं सॉरी, एक बार अपन ही सुनो जा रहे थे पीछे पीछे के एरिया से, पीछे का कांड्री, हाँ कांड्री गोंडे का, नहीं कांड्री पता है वो, नहीं कांड्री भी नहीं, मोई की थी वो, गोबर वाही के पीछे पीछे से फिर कहीं गए थे। हाँ जबलपुर रास्ते पे निकले थे तभी चारी अंकल का फोन आया। ऐसा नहीं होता है
ऐसा ओवरटेक बनाने के लिए तुम खुद को काय को रिस्क में डालता है, पीछे वाला रुक नहीं सकता क्या? पहले ही देख लेने का ना, पहले वो ये पहले पॉप्सी वो वारे गांव ले गया था, वारे गांव के वहां से फिर वो कोई नदी के संगम के वहां ले गया, वहां तो माइंस ही माइंस है, उसका पूरा ऐसा बाहर निकला हुआ लंबा, वारे गांव का है बहुत ऊंचा 10 माले जितना ऊंचा, ले गया था काम की रोड से ले गया था, लेफ्ट भी ले गया वो ये पावर प्लांट के पीछे वाला एरिया जहाँ नदी। सुनो तिरोड़ी वाली माइंस थी मॉल की, तिरोड़ी अपने को तो ट्रेन का भी हॉर्न का आवाज आता है याद है, चारी अंकल का तुम्हारे को क्या फोन है कि माइंस पे आप मत जाओ ऐसा। नहीं एक रेलवे क्रॉसिंग भी थी सिद्धू, अपने को रेलवे क्रॉसिंग भी मिली थी, मैं भी था क्या नहीं उसको जाती थी सिद्धू, मेरे को फोन का है क्योंकि वो चारी अंकल तुमको फोन नहीं करते इसलिए हमको फोन करते हो, गए हुए थे डाइन अच्छा लगता है। अच्छा खाना खाने के लिए कहाँ बैठना वो देख लेना, तभी अभी मैं कुछ नहीं बता रहा, ये खापर खेड़ा जाता है और ये जाता है देखो क्या मैप पीना पीना करके कोई नदी जाती है शायद जो पर सोनू ये आसपास तो मेरे को कोई भी माइंस नहीं दिखती है, तो ये आ किधर से रहा है, अंडरग्राउंड है क्या? किरनापुर क्या सेंट्री बटन साउंड माइन बटन साउंड राइट में लिखा है ना, वेलकम टू ये हरियाली है ना, दिख रही है, आई कांट सी द माइन इन दिस, मेरे को नहीं दिख रहा मैप में, पारशिवनी पारशिवनी में भी माइंस थे क्या? नहीं पाटन साउंगी सही है, ये एरिया का नाम पाटन साउंगी है, लेफ्ट में गांव है, ट्रैक्स है रेलवे ट्रैक्स, रेलवे लाइन में आता होगा, रेलवे से आता होगा और उठाते होंगे। अच्छा इधर ये दिख रहा है डब्ल्यूसीएल का प्लान रोड होता है सोनल, आई थिंक फंडा वो है कि वो ट्रेन से और रोड से वो कोयला आता है एक पॉइंट पे पाटन साउंगी में उतरता है, लेफ्ट में गाँव है और उधर से वो पावर प्लांट उसको रोप वे पे लेके जाते हैं। अब नहीं दिख रही मुझे रोप वे, तभी दिख रही तभी थी, अभी रेलवे लाइन दिख रही है तेरे को राइट में, लाइन भी चलती है। अब इसको सब ब्रॉड गेज कर दिए क्या? ब्रॉड गेज एक बार कहीं लेके जा रहा था और एक मस्त पेट्रोल, ये देख ये मोबाइल है हाथ में, ये वो तू जो एंट्रेंस देखी ना ये इस पे ये वाला काला काला ऐसा दिख रहा था, तो वहाँ वो सबको पानी सर्व कर रहे थे, पेट्रोल भराने गए थे अपन एक जगह सरदार जी का पेट्रोल पंप था, हाँ वो तरफ वो वाले ट्रेन में लेके सबको पानी पिला रहे भंडारा रोड पे याद है आपको? हाँ मामा को याद नहीं आता, चले सागर बहुत अच्छा बाथरूम भी था, कौन सी जगह जा रहे थे ये बता, किसी कोई डायमंड देखने जा रहे थे, यहाँ रहता था से अगले बार ऐसा स्लो होंगे और गाय दिखेगी तो एकदम वो रुक देना, गाय के साथ फोटो पे खींचेंगे, वहाँ गाय देखने को नहीं मिलती ना, आपने बोला था पानी के सब कर रहे थे अंदर से इंस्ट्रक्शन, गर्मी का दिन था ना वहाँ, ये हिल गया वो ट्रक इतना ड्रैग की ना उसको, गुड्डू के फ्रेंड के यहाँ गए थे ना, अच्छा लगा सुनिए, फिर बारिश आ रही थी, कौन सा फ्रेंड? आचार्य, अच्छा हाँ उसका घर का अच्छे, उसके पेरेंट्स भी सुनिए, उसकी वाइफ कितनी सुंदर दिखती है ना, हाँ हाँ फोटो है आई ना, सबसे फर्स्ट टाइम अपने आज की मैं कुछ हेल्प करूँगी घर में, ये बोले सब रुपीना ने किया उसकी मदर लॉ बनी गई लव मैरिज है, मैंने सब रुपीना कर
का खिड़किया खोल लो थोड़ा थोड़ा हाँ इसको तकलीफ तो बता फिर वो भी साड़ी पहनी बात गरम हवा लग रहा है क्या हाँ। लग रहा है थोड़ा देर लगेगा फिर नहीं लगेगा उसके बाद टोल देना पड़ता है क्या नहीं बंद है फास्ट टैग बैग के डाले मैंने फास्टैग है ना तो बताओ ना वही बताना क्या वो सिग्नल आता ना उसको क्या बताना यार कितना कितना है 85 85 मतलब अभी भी चीजें डिटेक्ट नहीं हो रही है बाकी लोकेशन ये छोटा बूथ है ना बड़े बड़े बूथ वाले तो अच्छा कुछ रिसीप्ट भी नहीं देगा क्या ऐसे वो गाड़ी कैसे चलेगी वो कोई प्रेम भाई का गाड़ी होगा बोल के निकल गया होगा कोड वर्ड रहता रहेगा यहाँ से डॉलर के लिए कमीशन दो और वहाँ डॉलर से उनका कन्वर्ट करो ट्रैवलर्स हैड टू अर्लियर कन्वर्ट रुपी टू डॉलर दिराम यूरो बिफोर दे कुड शॉप एट दुबई ड्यूटी फ्री शॉप खाली ड्यूटी फ्री शॉप की बात है क्या दुबई में कहीं पे भी दुबई एयरपोर्ट भी बंद कर देते दुबई एयरपोर्ट एयरपोर्ट का ही है नाउ यू कैन शॉप विद इंडियन रुपीस छिंदवाड़ा जाती है ट्रेन यहाँ से और छोटी लाइन थी कन्वर्ट कर दिया कन्वर्ट किए तो कन्वर्ट किए तो बहुत लोग आए अपोज करने के लिए ऐसा कन्वर्जन अलाउड नहीं है फिर उनको रियलाइज हुआ कि ये रिलीजन कन्वर्जन नहीं हो रहा कितना क्यूट है अरे वाह अरे यार इधर पिकनिक करते हैं सोनल पहले इधर कोई स्टेशन ही नहीं था नहीं था वो नहीं था अच्छा था ना बैठ के खाना खा लो मतलब पेड़ के नीचे ऐसा बड़ा सा वो बनाया हुआ सीमेंटेड वो पेड़ के और ऐसी लाइन दिल्ली वाली लाइन दिल्ली या कलकत्ता वाली लाइन ब्रॉड
था क्या? इतना ओल्ड सीके का भाई हुआ क्या कोशी? सीके का भाई नहीं, सीके का काका। काका चेंज करती है ताकि रेड जब हो जाए तो वो रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए तो वो ग्रीन हो जाए। सो इट एक्ट्स एज अ साइकिक इफेक्ट आता है कि अब रुकना है। लोग जनरली रुकते नहीं, वो सब फॉलो नहीं करते हैं, वो एडिशनल वो करने के लिए वो नहीं। ये चीज़ ऑलरेडी 7-8 दिन से चल रहा है, पहले पता चल जाती है, ऐसा नहीं 7-8 दिन पेपर वाले वो कुछ नहीं मिलता है ना तो ये चीज़ आ जाती है उस मोमेंट में। इसका नाम ही लिखा है, इसका नाम क्या था, पक जाएगा तब उसका रियलाइज होगा यार अभी छूट नहीं रहे है। सोनू तेरी इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन आ रही है, इसके नीचे से आ रही है और लेफ्ट जा रही है, स्टेशन बना हुआ है। हाँ और ये लेफ्ट में गई तेरी। बाय बाय। इधर ही कहीं से तुम लोग छिंदवाड़ा चले जाते हो नीचे उतर के, इधर पे वो एक सर्कल आएगा, ऐसे सर्कल पे ये करेंगे और फिर उतर जाएंगे। एक बार वो कल अशोक बाबा जी ने वो छिंदवाड़ा वाले रास्ता कैसे है? हाँ फिर क्या बोलो? छिंदवाड़ा वाला रास्ता तो अच्छा है पर वो मैंने बाबा जी को बोला 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाता। हाँ छिंदवाड़ा वाले ने फ्रेंड रिक्वेस्ट दी थी ना मुंगेर, गोकुल प्रसाद ने पप्पू को फ्रेंड रिक्वेस्ट दी। तो वो गोकुल प्रसाद मुंगेर चलाता है क्या? हाँ लड़के का नाम है, सबको डब्बा पड़ा हुआ है ना वेलवेट वाला। पप्पू ने बताया मेरे को, पप्पू को अशोक ने बताया कि दोनों भाई में इसका चल रहा है। नहीं 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 सिंधु मैडम बोली क्या बात क्या ठीक है वो ऐसे बोलती है मेरे को बताया पप्पू
या तो अरुण या नकुल ने बोला होगा तू ज्यादा स्ट्रेस क्यों लेता है। वापसी क्या रीजन होता है कि अशोक को ये क्यों हुआ कि वो दोनों के डिवोर्स का चल रहा है ना, इसीलिए मैंने कहा उन दोनों से बाबा जी के हेल्थ का क्या लेना देना। वापसी को दो दिन तक सुना रही थी। नहीं नहीं हम लोग चारों बैठे थे तब नकुल या अरुण ने बोला है मजाक में। ये देख सोनू नीचे एक रास्ता दिख रहा है मेरे को, तो सीमेंट बना है नहीं ये रास्ता भी नहीं है वो मैं बताता है। तो एक दिन मैं और राजू ड्राइवर हम लोग जा रहे थे उधर तो माइंस में वो टायर का वो ये करने के लिए टेंडर सॉलिड टायर का, तो तुमको पता है क्या उधर लंच हम लोग को फ्री में था, मतलब लिटरली कुछ चार्ज नहीं, गोभी की सब्जी और कोई सब्जी और एक और सब्जी और दाल और चावल, और मैं इतना बढ़िया ऐसा खाया। फिर मैं बोला अब ये राजू ने भी खा लिया वो नींद नहीं आ जाए उसको, तो बढ़िया उधर और दिए उसको टेंडर। फिर वो उसने बोला कि मैं पूछा इधर आसपास कुछ खाने का है क्या, फ्रेंकली पूछा मेरे को अगर कुछ कहीं कोई रेस्टोरेंट मिल जाएगा इधर ये कुछ, तो उसने बोला वो ये वाले बंगले में जाइए और ये बेबी का है क्या, बोलना कि ये सर ने भेजा है और वो खाना खिला देंगे आपको। ऐसा ऐसी आँख फटी फटी रह गई। फिर मैं कुछ भी नहीं बोला, मैं बोला चलो ठीक है खा लेंगे और क्या है। तो गया और फिर हम लोग बैठे, फिर उसने ये भी बोला था अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो ये 15 नंबर या 19 नंबर पे फ़ोन कर देगा अगर कुछ दिक्कत होगी तो मैं बात कर लूँगा। सोनू मामा यहाँ पे बैतूल स्ट्रेट है, एक रास्ता लेफ्ट में फट रहा है वो नीचे जाएगा और वो सर्कल पे आप घूमोगे और फिर चिंदवाड़ा निकल जाओगे। ये सोनू रेलवे लाइन इधर आई, हाँ ये चिंदवाड़ा के लिए रेलवे लाइन है, ये वाले टाउन से चिंदवाड़ा जाने का रास्ता है।